हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं वीडियो के मुद्दे की तरफ, और वीडियो का मुद्दा ये है कि रिव्यू करूंगा मैं एटीके के कल की परफॉर्मेंस को, जो हुई केरला ब्लास्टर्स वाले मैच में। तो गाइस, मुझे लगता है कि एटीके कहीं ना कहीं वो मैच निकाल सकती थी और अच्छे खासे मार्जिन से जीत सकती थी। केरला ये वो टीम नहीं है कि ये एटीके को किसी भी तरह हरा पाती, पर एटीके ने कहीं ना कहीं अपनी गलतियां और अपनी खामियों की वजह से उस मैच को ड्रॉ तक ही सीमित रहने दिया, और इससे एटीके पर ही प्रेशर आता है, क्योंकि आगे आने वाली राह जो उन्हें प्लेऑफ्स में लेके जाएगी वो और भी ज़्यादा टाइट और कठिन हो गई है एटीके के लिए। अगला मैच तो आप लोग मस्ट विन ही समझ लो एटीके के लिए, जो कि होगा 3 फरवरी को जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट। तो गाइस, अब थोड़ी सी मैच की बात करते हैं। दो प्लेयर्स ऐसे रहे जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थे एटीके के लिए ऑन फील्ड, बाकी कुछ एवरेज रहे और कुछ प्लेयर्स थोड़े से ख़राब रहे। वो अपने जो उनका टॉप पोटेंशियल है उसको टच नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं ब्रिलियंट प्लेयर्स की, तो वो दो ब्रिलियंट प्लेयर है एटीके के कल के गोल स्कोरर डेब्यूटेंट एडू गार्सिया, जिन्होंने फ्री किक से एक शानदार गोल कन्वर्ट किया, और साथ ही साथ वे ऑपोजिशन का मतलब ना उन्होंने ऑपोजिशन के नाक में दम कर रखा था अपनी ट्रिकरी से, अपनी स्पीड से, अपने स्किल्स से। और दूसरे जो प्लेयर है वो एटीके के कल के कप्तान जॉन जॉनसन थे, जिन्होंने लास्ट टच क्लियरेंसेज और चैलेंजेस बहुत सारे किए एटीके को मैच में रखने के लिए, और वो भी एक हीरोइक परफॉर्मेंस से कम नहीं थी। रेस्ट बाकी सारे प्लेयर एवरेज रहे, और दो प्लेयर्स जो अपने पोटेंशियल को टच नहीं कर पा रहे थे वो अनफॉर्चुनेटली आप सबके फेवरेट कालू ऊचे और आंद्रे बीके है। अब मैं बात बीके की करना चाहूँगा, तो बीके की अप्रोच काफ़ी ज़्यादा कैजुअल लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बीके को ज़बरदस्ती मैच में खिलाया जा रहा है। ऐसा कई बार हो जाता है, ऑन एंड ऑफ डेज एक फुटबॉलर की ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो बीके को इससे उभरना होगा और जमशेदपुर एफसी वाले मैच में पूरी तरह अपने आप को झोंकना होगा, क्योंकि वो एक मस्ट विन मैच है एटीके के लिए। अब मैं बात करता हूँ कालू ऊचे की, जो इंजरी से उभर के आए। हम सब की मन में उम्मीदें लाए कि कालू ऊचे अब आए हैं तो गोल्स भी लेके आएंगे और एटीके को सेमीफाइनल्स तक लेके जाएंगे। पर गाइस, अगर आप कालू ऊचे का गेम देख रहे थे क्लोजली, तो आपको पता होगा कि कालू ऊचे पूरी तरह फिट नहीं लग रहे थे, और वो गेम की पेस से एक कदम पीछे चल रहे थे और मूव्स को रीड कर पाने में असमर्थ रहे थे। तो इस अवसर पर मैं थोड़ी कपिल की खिंचाई कर सकता हूं, क्योंकि अगर कपिल को पता था कि कालू ऊचे इतने फिट नहीं है तो फिर उन्हें ट्राई नहीं करना चाहिए था कपिल को, उन्हें कपिल की जगह एवर्टन सिंटोश को खिलाना चाहिए था आगे। अब मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग एवर्टन सिंटोश से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने गोल्स नहीं दागे इस सीज़न, और कई तो उन्हें डायरेक्टली बेकार प्लेयर कहते हैं। पर मेरी एक बात सुन लो, जब 63rd मिनट के बाद एवर्टन सिंटोश फील्ड पे आया तो आप लोगों ने क्या परिवर्तन देखा एटीके की गेम में? क्या एटीके के मूव्स आगे बनने लगे थे? हाँ। क्या एटीके में एवर्टन सिंटोश और एडू गार्सिया का तालमेल अच्छा दिखने लगा था? हाँ। क्या एटीके के लिए गोल आया फ्री किक से कन्वर्ट होके? बिल्कुल हाँ। तो अगर एवर्टन सिंटोश के एक बंदे के आने से इतने सारे मूव्स आगे एटीके के बनने लगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो प्लेयर इतनी हेट आप लोगों से डिज़र्व करता है। आप थोड़ा सा उसे प्रेस कीजिए, आप थोड़ा सा उसे मोटिवेट कीजिए ताकि वो भी गोल्स ला सके। और याद रखिए, एवर्टन सिंटोश शानदार ब्राज़ीलियन प्लेयर है और एक फ्लेयर के साथ खेलता है। अब मैं बात करना चाहूँगा उस गोल की जो हमें पड़ा, जो मिला पोपलाटनिक को, पर वो पोपलाटनिक का गोल नहीं था, वो गर्सन वियरा के थ्रू एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुखद ओन गोल था। तो गाइस, वो गोल गर्सन वियरा का इंटेंट उस गोल को सेव करने के लिए काफ़ी अच्छा था, पर वो गलती से अपने ही गोल में चला गया। हुआ कुछ ऐसा, एक एयर बॉल आई, पोपलाटनिक ने उसे हेड किया, गर्सन वियरा सही इंटेंट के साथ उसे क्लियर करने गए, पर अनफॉर्चुनेटली वो बॉल अपने ही गोल बॉक्स में चली गई, जिसकी वजह से बराबरी होगी एटीके और केरला ब्लास्टर्स की। पर अब पास्ट पे नहीं रहना है, गर्सन वियरा को हमें बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि उसने पास्ट में कई बार एटीके को बचाया है। तो इसलिए अब हम सिर्फ फ्यूचर की तरफ देखेंगे। मानता हूँ रात थोड़ी सी तंग है, थोड़ी सी
मुश्किल है, पर ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अगले मैच में मैनुअल लैंजरोटे वापस आ जाएंगे एटीके की जर्सी में, और जब लैंजरोटे एडू गार्सिया ये दोनों एक साथ खेलेंगे, इन दोनों का आपस में तालमेल सेट होगा तो तूफान उठ जाएगा ISL 5 में। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना कतई भी मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, पीस आउट।